हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। अभी मैं दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हो ची मिन्ह सिटी की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल में हूँ। तो अभी हमारा वीजेट का फ्लाइट है हो ची मिन्ह सिटी के लिए। लास्ट टाइम हनोई से दानांग आते हुए हमारा 4 घंटे का डिले था। इस बार गुड लक है कि फ्लाइट हमारा ऑन टाइम है। अभी थोड़े देर में हमारा बोर्डिंग चालू हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, ये दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन, बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है। तो अभी हम अपना जो गेट है, बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। अभी जस्ट पहुँचे हैं हो ची मिन्ह सिटी। हो ची मिन्ह सिटी का डोमेस्टिक टर्मिनल में हम पहुँचे हैं। यहाँ से हम हो ची मिन्ह सिटी की तरफ जाएंगे। तो ये हो ची मिन्ह सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हो ची मिन्ह सिटी जो है, ये आपका वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है, जो कि इकोनॉमिक कैपिटल भी है। तो ये आप देखिए, हो ची मिन्ह सिटी का एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल का अराइवल हॉल। अपना जो होटल है वो आपका हो ची मिन्ह सिटी का डिस्ट्रिक्ट 1 में है। तो अभी हम यहाँ से ग्रैब लेके जाएंगे। ये हमारा अब्बास अली भाई और नूर आलम भाई दोनों ही हैं। तो अभी हम कुछ दिनों तक हो ची मिन्ह सिटी में ही रहेंगे, तो हो ची मिन्ह सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अभी हम हैं हो ची मिन्ह सिटी का सिटी सेंटर में। तो आज ही हम लोग पहुँचे हो ची मिन्ह सिटी सेंटर में। अभी हम खड़े हैं एकदम, ये सिटी सेंटर एरिया है, सेंट्रल एरिया। ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ सामने चो बेन ताहा करके मार्केट है, जो कि हो ची मिन्ह सिटी का एक फेमस मार्केट है। अभी हम चो बेन ताहा की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सामने जो बुर्ज अल अरब का तरह जो बिल्डिंग बना हुआ है, ये हो ची मिन्ह सिटी का आइकॉनिक बिल्डिंग है। हो ची मिन्ह सिटी, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल यहीं पे चलता है, जितना भी बड़ा शहर है उसमें से आप जिधर भी देखिएगा आपको मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे रश बहुत है, मतलब भीड़ है। तो यहाँ मोटरसाइकिल टूरिस्ट लोग के लिए चलाना मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं होगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम मार्केट की ओर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम मार्केट के भीतर जा रहे हैं। यहाँ पे दुकानें तो बहुत सारे हैं, तो हम कुछ कुछ दुकान में रुकेंगे भी, देखेंगे कि रेट वगैरह कैसा क्या है, और इसे रनिंग में जाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मार्केट में आपको ज़्यादातर कॉफ़ी आइटम मिलेंगे, तो कॉफ़ी से इसीलिए लोग थोड़ा कैमरे को भी रिस्ट्रिक्शन करते हैं। तो हम दुकान में घुसना थोड़ा अवॉइड ही करेंगे, जहाँ जहाँ घुस सकते घुसेंगे, बाकी हम ऐसे रनिंग में ही देखेंगे। तो यहाँ सिर्फ कॉफ़ी ज़्यादा है।
ये मार्केट में आपको क्वालिटी वाइज तो ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेंगे, मीडियम रेंज का जो माल मिलते हैं वही मिलेंगे। और यहाँ बार्गेनिंग तो आपको क्या बोले, बार्गेनिंग बहुत ही भयानक बार्गेनिंग होता है। ये आप कोई भी प्रोडक्ट को टच करके छोड़ दें तो वो अपने आप दाम घटाते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ लेना हो तो बार्गेनिंग का थोड़ा ध्यान रखें, और मतलब बार्गेनिंग बहुत ही हेवी बार्गेनिंग होता है यहाँ। यहाँ पे नैरो स्ट्रीट टाइप का बना हुआ है, बहुत ही पुराना मार्केट है। यहाँ पे आपको फॉरेनर्स लोकल सभी मिल जाएंगे शॉपिंग करते हुए। वियतनामी कॉफ़ी बहुत ही फेमस है, वियतनामी कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर का कॉफ़ी का डिफरेंट डिफरेंट दाम लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम हो ची मिन्ह सिटी का और एक फेमस मार्केट जो कि सेंट्रल मार्केट अंडरग्राउंड है उस तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको मतलब बाइकों का सैलाब लगेगा, स्कूटी इतना स्कूटी सैलाब के तरह। आप देखिए सामने स्कूटी का सैलाब। अभी हम पहुंच गए हैं सेंट्रल मार्केट जो कि एकदम हमारे पीछे है। ये देखिए सेंट्रल मार्केट जो कि फुली एयर कंडीशन मार्केट है। जो हम लोग बेंता गए थे वो बहुत ही ओल्ड पुराना मार्केट था, वहाँ पे ओल्ड कंस्ट्रक्शन किया हुआ बिल्डिंग वगैरह सब पुराना टाइप का है। ये न्यूली मेड अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट है। तो चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ आपको लोकल ज़्यादा मिलेंगे, फॉरेनर्स थोड़ा कम। बेंताहा मार्केट में हम लोग जो थे वहाँ ज़्यादा फॉरेनर था, तो वहाँ बेंताहा मार्केट में रेट भी थोड़ा उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ देखते हैं क्या रेट लगाता है, नहीं है चलिए अंदर जाया जाए। Thank you.
कि सेंट्रल मार्केट में आपको क्वालिटी वाइज आपका थोड़ा बढ़िया मिलेगा। तो क्वालिटी वाइज थोड़ा बढ़िया मिलेगा और यहाँ भी बार्गेनिंग होता है, तो उसको माइंड में रखिएगा। मेरे हिसाब से तो ये सेंट्रल मार्केट रिकमेंडेड है, अगर आप हो ची मिन्ह सिटी आते हैं तो ये सेंट्रल मार्केट जरूर आए। ये बहुत ही अच्छा मार्केट है, इसका एम्बियंस भी बहुत ही बढ़िया है और यहाँ का जो शॉपकीपर वगैरह है ये लोग का बिहेवियर ही भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी वाइज तो ये बिनता से अच्छा है ही है। तो ये मस्ट विजिट मार्केट है, अगर आप आए तो सेंट्रल मार्केट ज़रूर आए। फ्रेंड्स, अभी हम हो ची मिन्ह सिटी में खाना खाने के लिए आए थे, एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, गुजरात रेस्टोरेंट, जो कि सेंट्रल मार्केट का ठीक सामने में ही है। और खाना अभी मैं पहले इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि खाना खाने के बाद आप लोग को बताऊंगा। खाना पूरा देखिए सपाचाट हो गया। हाँ, अभी हमारा अब्बास भाई, जलम भाई, हम पूरा खाना पूरा सपाचाट, इतना बढ़िया खाना आपको क्या बताएं है, आपको लगेगा ही नहीं आप इंडिया से बाहर हो। इंडिया से बाहर हो, ये हमारा भाई जो इस होटल में है, तो सर थोड़ा बताइए आपके होटल के बारे में। हमारा ये वियतनाम में गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन और जैन है,
बहुत ही लाजवाब खाना है इनका। चेन है, चार रेस्टोरेंट है जो कि दो हो ची मिन्ह सिटी में है, एक हैनोई में है और एक आपका दानांग में है। तो आप जब भी आओ एकदम मस्त विजिट करना है, खाना एकदम बेहतरीन है, लाजवाब 10/10 का। सामने सेंट्रल मार्केट, ठीक उसका अपोजिट में है ये गुजराती रेस्टोरेंट, ये देखिए। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी हम वियतनाम सिटी में ही रहे, वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में ही रहेंगे, तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।